और हमें कुछ मिले हैं पाकिस्तानी। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। तो बहुत अच्छा, फर्स्ट टाइम आए हैं? बिल्कुल फर्स्ट टाइम। कहाँ से हो सर आप? काफ़ी अच्छा लग रहा है, बिल्कुल पीसफुल प्लेस है, एक बार जरूर विजिट कीजिए। ये संभालने आप इसकी जरूरत नहीं आगे। तो कुछ हो तो मालूम है, ऑब्वियसली आप पाकिस्तान से हो तो हमारा इमिग्रेशन पूरा हो गया है और ऐसा लग ही नहीं रहा है कि हम किसी दूसरे कंट्री में आए हैं, लग रहा है अपने ही कंट्री में आए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। तो बस अच्छा ऑफिसर है, हमें एक कार्ड मिल गया है जो कि संभाल के रखना है, यही पहचान है कि हम इंडियन हैं और पाकिस्तानी लोग जो है उनका ब्लू कार्ड होता है। हम लोग इंडियन इमिग्रेशन में बहुत अच्छे आदमी मिल गए हमारे सिटी के ही, पटना के। ये जो आप सामने देख रहे हो ये है पाकिस्तान का इमिग्रेशन ऑफिस। तो चलिए इमिग्रेशन ऑफिस में चलते हैं और इमिग्रेशन करवा के वापस आपसे फिर मिलते हैं। फाइनली मेरा वो इमिग्रेशन हो गया है और हमें कुछ मिले हैं पाकिस्तानी जो बहुत अच्छे व्यवहार के हैं। और इनसे आप इंट्रोड्यूस हो जाए सर, आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम मोहम्मद उमर। आपका सर? यस सर। आपका सर? ताहिर। थैंक यू सर। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। तो बहुत अच्छा, फर्स्ट टाइम आए आप? बिल्कुल फर्स्ट टाइम आया सर। ओके, आप कहाँ से आए? पटना से आया हूँ सर। पटना भी आइए, किधर जाना है सर? सीधा बस खड़ी है आपके। एक सेकंड। अच्छा सर, बिल्कुल बढ़िया। कहाँ से हो सर आप? ले जाओ। कार्ड ही नहीं है यार तो साड़ा। थैंक यू सर। डॉक्यूमेंट संभाल लीजिए, पासपोर्ट और ये संभालने आप इसकी जरूरत नहीं आगे। अच्छा, इसको रख ले बैग में। हाँ जी, बैग में। एक मिनट पकड़िए सर इसको। थैंक यू। थैंक यू सर फॉर होल्डिंग दिस। हमारा इमिग्रेशन पूरा हो गया है और ऐसा लग ही नहीं रहा कि हम किसी दूसरे कंट्री में आए हैं, लग रहा है अपने ही कंट्री में आए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है, वो आपको बता नहीं सकते हम। और ये हमारी बस खड़ी है, इसी से हम अभी जाएंगे कॉरिडोर के पास, तो सॉरी गुरुद्वारे के पास। तो ये हमें एक कार्ड मिल गया है जो कि संभाल के रखना है, यही पहचान है कि हम इंडियन हैं और पाकिस्तानी लोग जो है उनका ब्लू कार्ड होता है, हम लोग का पीला कार्ड होता है। और इमिग्रेशन ऑफिसर इतने अच्छे थे, लिटरली उन्होंने बोला कि वीडियो बना लो, क्योंकि इमिग्रेशन ऑफिस में वीडियो अलाउ होता नहीं है, बट उन्होंने बोला तो मैंने वीडियो बना लिया और उनको आप देखेंगे भी। और अभी हम आ चुके हैं, अभी हमारी ये बस लगी है इधर आप देख सकते हो, और इसी से अभी हम जाने वाले हैं गुरुद्वारे के पास। काफ़ी अच्छा लग रहा है, बिल्कुल पीसफुल प्लेस है, एक बार ज़रूर विज़िट कीजिए आप अपनी ज़िंदगी में, यहाँ पर मज़ा आ जाएगा आपको, जो एक्सपीरियंस मिलेगा पाकिस्तानी लोग से मिलने का बहुत अच्छा लगेगा आपको। काफ़ी फ्रेंडली लोग हैं इधर और उन्होंने बताया भी कि पासपोर्ट को आप संभाल कर रखिए, पासपोर्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ के बाद आपको पासपोर्ट की कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो मैं आपको डिटेल में अभी शुरू बताता हूँ। शुरू से मैंने अमृतसर से एक बस पकड़ी जिससे मैं डेरा बाबा नानक आया, वहाँ से मैंने एक रिक्शा लिया जिससे मैं आया करतारपुर कॉरिडोर के पास। और अभी मैं इंडियन इमिग्रेशन में बहुत अच्छे आदमी मिल गए हमारे सिटी के ही, पटना के ही से, और मज़ा आ रहा है यार इधर, एक बार ज़रूर आइए यार अपने लाइफ में। और ये पाकिस्तान का सीन आप देख रहे हो सर, अपना नाम बता दीजिए प्लीज़। जी, मेरा नाम अदील है। थोड़ा तेज बोलिएगा। अदील, अदील। अच्छा, इनका नाम अदील है, ये करतारपुर से ही हैं। और आप यहाँ पे क्या करते हो सर? बस चला। यहीं नहीं, मैं यहीं पे हूँ, ऑफिसर हूँ। अच्छा, ऑफिसर हैं ये, और इनसे मिलकर अच्छा लगा। थैंक यू जी, आपसे भी बहुत अच्छा लगा। जी जी। तो गाइस, अभी हम निकल चुके हैं करतारपुर साहिब गुरुद्वारा के लिए और रास्ते वाकई बहुत खूबसूरत है करतारपुर साहिब गुरुद्वारा जाने का, तो आप रास्ते के व्यू को इन्जॉय कीजिए। साहिब जाने के रास्ते में आपको एक बहुत ही खूबसूरत रिवर मिलेगा जिसका नाम है रावी रिवर।
ਕੀ ਕਿਤਨੇ ਏਕੜ ਮੇ 850 ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਨੇ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਫੈਂਸ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਹ 850 ਹਾਂਜੀ 850 ਅੱਛਾ ਜੀ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਉਣ 'ਚ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਬਾਰਾ ਆਉਣ 'ਚ ਵੈਲਕਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀ ਆਮਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲੇ 'ਚ ਕਾਰਡ ਪਾਏ ਨੇ ਇਹ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਮਾਇਆ ਰੱਖਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੋ ਜਿੱਥੇ ਬੱਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਇਆ ਉੱਥੇ ਬੱਸ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਹੁਣ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਚੈੱਕ ਹੋਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੰਟਰ ਹੋਵੋਗੇ ਅੰਦਰ ਇੰਟਰ ਹੋਵੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਜੋੜਾ ਘਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਕਰ ਰੂਮ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਨਾਲ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰੋਵਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੇਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬਰਾਮਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਾਈਡਾਂ 'ਚ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨੇ ਜੋੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਉੱਥੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖੱਬਿਆ ਸੈਕਿੰਡ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਜਾਣਾ ਜੋੜੇ ਪਾ ਕੇ ਮਾਰਕੀਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੋੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੇ ਲਾਗੋਂ ਦੀ ਰਾਹ ਵੇ ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਅੱਜ ਬਾਰਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਟ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋਗੇ ਸਲਿਪਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਡਿਊਟੀ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਟਾਫ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਟਾਈਮ ਲੰਘੇ ਨਹਾਇਤ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਲੰਘੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਉਣ 'ਤੇ ਆ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀ ਧੰਨਵਾਦ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਤਾ ਦੀਏ ਸਰ ਜੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਕਹਾਂ ਸਰ ਸਰ ਮਤਲਬ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਾਰੂਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਤੋ ਹੀ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਰਹਾ ਤਾਂ ਮਾਲੂਮ ਹੈ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਆਪ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੇ ਹੋ ਤੋ ਆਪ ਲੋਗ ਸਰ ਜੋੜਾ ਘਰ ਆਏਗਾ ਅਗਰ ਸਮਾਨ ਵੀ ਰੱਖਣਾ